एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो फिलहाल आज मैं वीडियो का स्टार्ट कर रही हूँ। इसके पहले वाला वीडियो नहीं आया है, क्या ही बोलूँ, नहीं कर पाई मैं। कर सकती थी, मम्मी के घर भी गई थी उस दिन, दिस आईब्रो वगैरह भी बनवाया मैंने, तो कॉन्टेंट था मेरे पास, शूट कर सकती थी। बट सच बोलूँ ना तो आर्यन का तबीयत सही नहीं था, तो मेरा दिमाग ही नहीं लग रहा था कि मैं वीडियो शूट करूँ या फिर कुछ भी करूँ। बिल्कुल भी इच्छा नहीं कर रहा था। भाई बोल भी रहा था क्यों नहीं शूट कर रही हो, तो नहीं कर पा रही थी, मन नहीं कर रहा था। तो कल से आर्यन सही है। एक्चुअली ना वो जो जंघा होता है ना, उसमें उसको घाव भी हो गया था, क्या बोलते हैं उसे, बल तोड़ ना क्या, मैं जब तेल वेल लगाती हूँ तो कोई बाल हट जाता है, जिसकी वजह से उसको घाव हो गया था, जो कि बहुत परेशान था मेरा बच्चा। रात भर तो सोता नहीं था, मुझे भी सोने नहीं देता था। तो यही है, बहुत ख़राब लगता है हमको, कुछ भी हो चलेगा भाई, बच्चा को या फिर नहीं अच्छा लगता है, बहुत ही मतलब ख़राब लगता है। खेलते रहे, बाहर जाए ठीक है, पर ठीक रहे तो फिलहाल आ जा रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा है। तो हमारा छठ पूजा भी नज़दीक है, तो आज मुझे मार्केट भी जाना होगा, क्योंकि चूड़ी उड़ी लेना है मुझे, कुछ भी नहीं है, साड़ी वगैरह सब कुछ हो चुका है, बस चूड़ी नहीं है, तो जाऊँगी। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट कर दे, वीडियो में बनी रही है, शेयर करूँगी जो भी करती हूँ। ये होना तो सबसे ईजी अगर कोई खाना तो यही हो सकता है। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने ना तेल, जीरा का फ़ोरन और आलू, शिमला मिर्च, गाजर डाल दिया है, और अब मैं इसमें ना थोड़ा सा फ्राई होने के बाद अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का जो दरदरा पेस्ट होता है वो ऐड करूँगी। और मैंने कामनी चावल मंगा लिया है, क्योंकि जो वो चावल होता है ना कामनी, उसी से बहुत अच्छा टेस्टी बनता है, मम्मी के घर में उसी का बनता है, तो मुझे उसी का आदत है आर्यन को भी। तो चलिए फिलहाल बनाते हैं फटाफट, थके बहुत हैं, रात को बस नींद आएगा बहुत अच्छा। तो फाइनली यहाँ पर अच्छे से फ्राई हो चुका था, मैं इसमें ऐड कर देती हूँ चावल। देखिए यहाँ पे ऐड कर दिया मैंने चावल, तो इसे अच्छे से चलाते हैं, उसके बाद नमक ऐड करेंगे। मैंने ना चावल मिला के अच्छे से फ्राई कर लिया है, और एक से दो मिनट, मतलब एक मिनट नहीं, थोड़ा सा और फ्राई करके इसमें मैं ऐड करूँगी पानी। नमक ऐड कर दिया है, फिर पानी ऐड करने के बाद धनिया पत्ता ऊपर से, जो कि स्वाद और भी दुगना कर देगा। तो चलिए इसे एक बार और फ्राई करते हैं, फिर पानी ऐड करते हैं। फिलहाल मैं मार्केट जा रही हूँ, तो आर्यन की तबीयत पहले से ठीक है, क्या लेके आएंगे? बस कुछ खाया ना खाया, मोमो चाहिए। तो फिलहाल चले निकलते हैं, रवि बाजी है, दिन का 2:30, मेरे को मन नहीं कर रहा, नींद आ रहा, बट जाना ही है, तो वेस्ट करना, घर में ही रहना ठीक है, फ़ोन करना अगर कुछ भी हो। चलिए निकलते हैं, पाली निकल गए हैं, यही है टोटो, बहुत दूर मिलता है, स्कूटी से जा नहीं सकते हैं क्योंकि आर्यन का तबीयत भी सही नहीं है। चलिए जाते हैं, देखते हैं टोटो मिल जाए जल्दी बस। तो फिलहाल देखिए यहाँ पे निकल चुकी हूँ, और ये है हम लोग का बावनगछे ब्रिज, जो कि अभी न्यू बन रहा है, और ये जो ब्रिज है पुराना हो चुका है, इसीलिए यहाँ पे नया ब्रिज बन रहा है, रेडी हो रहा है, तो चलिए जल्दी जल्दी रेडी हो जाए। तो फिलहाल चले चलते हैं मार्केट। वैसे भी आर्यन के पापा बोले कि बहुत भीड़ होने वाला है मार्केट में, मैं लेट भी निकल रही हूँ तो भीड़ तो होगा ही, खैर कोई नहीं, संभाल लेना है तो मुझे जाना ही पड़ेगा। तो चलिए जाते हैं मार्केट, पहुँचते हैं, फिर इस वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। उतर चुकी हूँ टोटो से, भीड़ तो है भाई, छठ पूजा का सामान भी मिल रहा है, तो खैर चलिए मुझे जो जो लेना है मैं ले लूँ। तो पहले ही मैं यहाँ पे आ गई हूँ हरोगंज बाज़ार में, जो कि चूड़ी वगैरह यहाँ पे सब कुछ मिलता है, मैरिज से रिलेटेड या फिर पूजा पाठ में आपको जो भी कुछ चाहिए ना, ये हरोगंज बाज़ार के अंदर मिलता है। और भीड़ भाई साहब मतलब अलग लेवल का था, मतलब बहुत भीड़, क्योंकि जो दुकान वाले लोग थे वो लोग खुद परेशान हो जा रहे थे। तो चलिए लेते हैं, क्या कर सकते हैं, क्योंकि लेना है ही मुझे, ले लेते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से ना। अंदर में भीड़ है वो भाई, बहुत भीड़ है, इसी तरह मैंने बस दो डब्बा चूड़ी लिया, उतना में ही मुझे आधा घंटा से भी ज़्यादा लग गया। देखती हूँ बिंदी वगैरह लेना है, बाहर से निकल के लूँ वहाँ लेती बहुत टाइम लग जाता। हाँ हाँ, छठ पूजा का सामान देख सकते हैं बाहर में ही मिल रहा है, तो मैं तो लूँगी नहीं, क्योंकि आर्यन के पापा ये सब लाते हैं, मुझे नहीं समझ आता, उनको ए टू जेड पता है। और ये केला का घवर, वहाँ पे दौरा वगैरह भी मिल रहा है देख सकते हैं, पर महंगा बहुत है भाई। अगर इस ये सब का दाम जो होता है ना छठ पूजा के दिन ही गिरता है, जैसे खरना वगैरह का दिन। हाल
लिए। ऑलमोस्ट मेरा शॉपिंग हो चुका है, सब ले लिया है मैंने, जो जो चाहिए मेरा हो चुका है। बस याद आया कि और कुछ लेना है कि नहीं, बट आर्यन के लिए देखते हैं मोमो ले लेंगे, बैठा है कि नहीं देखें, जाते हैं फिर फटाक से टोटो लेते हैं घर भागेंगे। चलिए पुचका खा लेते हैं फिर कुछ लेंगे। मैंने पुचका खा लिया है, मोमो तो बैठा ही नहीं है, क्या करूँ। आर्यन को फ़ोन करती हूँ क्या खाएगा क्या नहीं। और लौकी भी मिल रहा है देख सकते हैं, नहा खाए ना कल, मोमो तो मिला नहीं है, बोझनाथ है। यहाँ से कुछ ले लेते हैं, देखते हैं दही बड़ा ही लेंगे फिर। तो चलिए जाते हैं अंदर। मैंने टोटो ले लिया, काफ़ी सामान हो गया देख सकते हैं। अब पता नहीं मेरे को जो जो याद था मैंने लिया, क्योंकि छठ पूजा का बहुत भीड़ है भाई, बहुत ज़्यादा आज ही से। चलिए जो जो याद आया मैंने ले लिया है, देखते हैं घर पे जाकर कुछ भूलेंगे तो आर्यन के पापा लाएंगे, क्योंकि मैंने पूरा कोशिश किया, जो जो मुझे याद है मैंने लिया है। फाइनली चलिए जो जो लाई हूँ उस दिखा दूँ मैं। तो फिलहाल सबसे पहले मैंने यहाँ पे दो पेटीकोट लिया है जो कि मुझे ज़रूरत है छठ पूजा में। एक्चुअली देखिए छठ पूजा में ये और वाइट नहीं घिया कलर का चाहिए, तो एक मम्मी ने दे दिया है मुझे, और ये येलो मैंने लिया है शादी के लिए साड़ी में पहनने के लिए। यहाँ पे बिंदी लिया है मैंने, काजल जो कि नहीं था मेरे पास, और ये चूड़ी लिया है मैंने जो कि 50 रुपये में देते हैं बट काफ़ी अच्छा होता है, ये देख सकते हैं अच्छा भी चल जाता है, ये पहनने के लिए सही है देखे। तो ये लिया है मैंने, और आपका यहाँ पे चूड़ी लिया है मैंने जो कि 2 डब्बा लिया है मैंने, दोनों छठ पूजा का ही है, छठ पूजा में दोनों साड़ी पहनूंगी तो उसके लिए। तो यहाँ पे ये लिया है इस कलर का देख सकते हैं, ये मैरून है, और इस पे ये जो काम है ना वेलवेट है और गोल्डन है जो कि काफ़ी अच्छा लगा मुझे, थोड़ा सा अलग लगा तो इसलिए मैंने ले लिया। और यहाँ पे लिया है पिंक एक साड़ी इस कलर की है, तो देख सकते हैं चूड़ी भी काफ़ी पसंद आया मुझे, पर भीड़ इतना ज़्यादा था ना कि आप पसंद नहीं कर सकते हो यार। बोल रहे थे दी आप फिर कभी आना, फिर अच्छे से पसंद करके लेना, पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है, बहुत ज़्यादा, वो लोग भी इतने परेशान हो जाते हैं ना जो बिक्री करते हैं। तो मैं बोली ठीक है, सामने मुझे दिखा और मेरे साड़ी से मैच भी है तो मैं सोची ले ही लेती हूँ मैं। और यहाँ पे एक नेल रिमूवर लिया मैंने जो कि चाहिए था मुझे, और वैसे मेरे पास तो नेल पॉलिश है बट फिर भी मैंने ये ले लिया क्योंकि न्यू है तो न्यू यूज़ करना चाहिए। तो बस इतना ही लिया है मैंने और कुछ भी नहीं लिया, इतना ही लेने में जैसे लग रहा था मुझे कितना टाइम लग गया। तो चलिए अब अच्छे से इसे रख देते हैं पैक करके, क्योंकि गुट्ठा उठा में ना छुआ पाए, अलग रखना होगा मुझे। तो चलिए रख देते हैं इसे। आ गया पुल्लू पुल्लू मेरे पास, देखो जा रात में मेरे पास ही सोएगा थोड़ा देर, उसके बाद अपनी मम्मी के पास जाएगा, लुकु लुकु। तो यहाँ देखिए आर्यन को मैं खाना देने जा रही हूँ, जिसमें मैंने रोटी और आलू फूलगोभी की सूखी सब्जी बनाया, दिन का दाल था जो गरम करके थोड़ा सा इसमें मैंने घी दे दिया है, तो आर्यन खा लेगा। तो चलिए अभी तो मैं नहीं खाऊंगी, वीडियो एंड करूंगी। पहले जस्ट अभी हुई हूँ फ्री, थोड़ा सा मुझे ना मार्केट से आ गई थी, आने के बाद भाई कपड़ा वगैरह उतारा मैंने, जो जो काम था किया, और पूजा वाला रूम जो है ना जिसमें हम लोग का पूजा होता है तो उसको साफ़ वगैरह किया, क्योंकि छठ पूजा मैं उसी में करूँगी, और बहुत सारा काम था जो कम्प्लीट की। उसके बाद थोड़ा रील्स वगैरह भी शूट करना था छठ पूजा के लिए, सो अभी मैंने किया। और मार्केट में भाई मतलब अभी 2-3 दिन बाकी है छठ पूजा में, और इतना भीड़ है ना कि आप खड़े भी नहीं हो सकते, बहुत भीड़ है। रोड मतलब जो रोड है उसको उतना नहीं है, बट जब अंदर अंदर है जो हरोगंज बाज़ार बोलते हैं सालकिया का, उसमें काफ़ी भीड़ है छठ पूजा का। ऐसे समझ में ही आ जाता है भाई छठ पूजा है, हर जगह दाल दौड़ा जो होता है ना सब दिखने लगता है। तो चलिए अब छठ पूजा का ही ब्लॉग आएगा, नहा खाए खड़ना है, पहला अर्घ है दूसरा अर्घ है, तो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वैसे तो रहूँगी फास्ट पर पूरा कोशिश करूँगी कि हर वो चीज़ शेयर करूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि हिम्मत तो रहता नहीं है भाई, बट
छठ माँ का महिमा होता है तो सभी कुछ हो जाता है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।